नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर के बाहर और इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं रैबरे खेल के, रैबरे जंगलात के, और इस समय ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला किया है कि इन एम्प्लॉयज को अब टर्मिनेट किया जाएगा, टर्मिनेट किया गया है, जिस तरीके से से जानेंगे क्या कहना है इनका, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप देखते हैं इस ऑर्डर को, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा। आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कि जो हम ऑर्डर निकाला है वो किस बेस पे निकाला है, उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इतने सारे बच्चों को क्या होगा। अगर उनको आज याद आ रहा है तो पहले ही परमानेंट पोस्टें निकालते हैं। हमारे 4 साल क्यों वेस्ट किए? इन 4 साल में हम कोई स्टडी नहीं कर सकते। जो बीपी बेस पे लगे आज तक बीपी बेस पे, क्योंकि हमें एजुकेशन लीव ही नहीं है, कोई वैलिड नहीं मानी जाएगी डिग्री, तो आज इनको आज ये क्या याद आ रहा है? पहले पोस्टें निकालनी चाहिए थी, अगर तब ये क्यों निकाली? आप किस में लगे हैं? रैबरे खेल में लगे हैं हम। हाँ, क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके के स्टांस ले रही है जब से यूटी बनी है, अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या देखते हैं? मेरे को इन गवर्नमेंट की समझ ही नहीं आ रही कि ये ले क्या रहे हैं। इन्होंने एक बार भी हम जैसे बच्चों का नहीं सोचा जिन्होंने इतने साल पढ़ाई पे वेस्ट किए हैं, और किस बेस पे ले रहे हैं? एक बार ये हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक तो 3,000 दे रहे हैं हमें, तो पहले तो वही बहुत गलत है। काम हमसे बिल्कुल उतना ही लिया जाता है जितने परमानेंट टीचर करते हैं, हमें उस चीज का कोई वो नहीं है। लेकिन ये तो सोचो कि हमारा क्या होगा। आज आप बोलते हो कि इनको ये जो ऑर्डर निकाला आज ये ऐसे निकालते हैं, तो पहले कहाँ सोए थे? जब ये पोस्टें निकाली थी तब इनको परमानेंट निकालनी चाहिए थी। इस साल इतने सालों में 3 साल में हम कोई अदर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वहाँ पे लिखा है कि हम कोई एजुकेशन लीव नहीं ले सकते हैं। पहले तो हमें एकदम बंद करके बिठा दिया, हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं कर पाए, और अब जाके बोलते हैं कि अब रीएडवर्टाइज कह रहे हैं कि रीएडवर्टाइज करेंगे एसएसबी के थ्रू लगेंगे। तो पहले कहाँ सोए थे? इनको रैबरे खेल लाना ही नहीं चाहिए था, इनको वही पोस्ट निकालना चाहिए थी। ये बहुत गलत है। और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने अपना जो भविष्य है अब इनका दांव पर लगा हुआ है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, आप कौन से डिपार्टमेंट में? जी, मैं रैबरे खेल से हूँ। जी, रैबरे खेल से हूँ। कैसे देखते हैं ये ऑर्डर, जिस तरीके से आता है, कहा जा रहा है कि आप टर्मिनेट होंगे, आप दोबारा से रीएडवर्टाइजमेंट होगी? जी, ये जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 दिनों में ये ऑर्डर निकाला था, उन्होंने ये जो ऑर्डर निकाला है, ये तो डिपार्टमेंट हमारे जो रैबरे खेल का महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें ये टर्मिनेशन है। जो हमने 4 साल इसमें सर्विस की है, अब हमें उम्मीदें थी कि हम 3 साल के बाद रेगुलराइजेशन होगी। बिफोर जो हमारा कैबिनेट में इसका जो डिसीजन भी हुआ था आफ्टर 7 ईयर रेगुलराइजेशन, अब ये गवर्नमेंट ने हमारा काला कानून ये निकाला है, हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। तो हम इसलिए ये रोड पर उतरे हैं, इसके हम लगातार इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं करते तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो रैबरे खेल वाले जब पहले प्रदर्शन करते थे वो कहते थे हमारी एज जो है अपर एज हो गई है, हम किसी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, सरकार को चाहिए कि एज लिमिट कम करे, मगर सरकार अब निकाल ही रही है। जी, हमने इससे पहले भी जो हमारे फॉर्म ने इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट किए कि हमारे जो एज रिलैक्सेशन दी जाए 7 साल थे उससे कम करके 5 साल लाएं, और हमारा जो हानि नरीम है वो मतलब एज ए बेसिक उसको हम करके हमारे जो उसको इंक्रीज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बात को लिया ही नहीं, तो ऐसा उल्टा कानून निकाल के हमें यहाँ से टर्मिनेशन दे दी। इसके अलावा रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं उसके अलावा और कौन कौन से रैबरे जंगलात भी हैं? रैबरे जंगलात हैं और NYC हैं और रैबरे ज़रात भी हैं। तो कितना बच्चा होगा सारा मिलाकर? अगर सर इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 3,000 उस वक्त वैकेंसी आ रही थी कि निकली थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से प्लस ही हैं। जंगलात वगैरह NYC मिलाकर आप कह रहे हैं? ये नहीं, सिर्फ रैबरे जंगलात और रैबरे ज़रात, NYC मिला के वो तो ज्यादा है क्योंकि वो स्कीम काफी पुरानी है, लेकिन उसमें मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास होंगे। 10,000 लोगों की एकदम जॉब चली जानी, कितना बड़ा झटका देता है? ये न्यू यूथ के लिए बहुत बड़ा झटका है कि आने वाली अगर ऐसे यूथ के साथ ऐसा करेंगे, जो सारी इस हुकूमत का दौरमदारी यूथ पे, अगर यूथ के साथ ऐसा करेंगे तो ये सरासर मंजूर नहीं है इस यूथ को। तो आप इस समय देख सकते हैं कितना बड़ा हजूम है यहाँ पर, जो लोग रैबरे खेल से, रैबरे जंगलात से हैं, और रैबरे खेल के ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आपको जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप?
क्या नाम है आपका? जी हमारा ये प्रोटेस्ट आज है, जो हमारी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी एक कैबिनेट डिसीजन के बाद जो है ब्रीफ डिस्कशन कैबिनेट में हुई थी, उसके बाद जो है रहबरे खेल की एक प्रॉपर पॉलिसी बनी थी और उस पॉलिसी में ये था कि आपको 7 साल तक जो है 3,000 और उसके बाद 4,000 7 साल तक आपको ऑनरम दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको परमानेंट किया जाएगा। ये एक प्रॉपर पॉलिसी हमारी बनी थी और उसके अलावा हम प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है हमारी रिक्रूटमेंट हुई है और जो है एलजी गवर्नेंस में हुआ है ये सारा और हमारा जो है प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी जो थे वो चेयरमैन थे उनकी जो है उनके जो है उनके अंडर जो है ये सारा प्रोसीजर हुआ है। आज कुछ लोग क्यों टर्मिनेट कर रही है, क्या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धांधलियां हुई हैं, बैकडोर एंट्रीज हैं या क्या लगता है उनको? आज हम भी सुनते हैं कुछ लीडरों का कहना है, बीजेपी के कुछ लीडरों का कहना है कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं और कुछ फेक सर्टिफिकेट लेकर जो है ये इस अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो है आए हैं, लेकिन उनको उस टाइम पता नहीं था कि उन्होंने जो है ये रिक्रूटमेंट भी जो है ये पॉलिसी भी जो है बीजेपी ने बनाई, वो कुलिशन में थी उस टाइम और जो है जो बाकी पॉलिसीज का हमें नहीं पता, लेकिन रहबरे खेल जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत और हमारा इंटरव्यू हुआ है और ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से हमारी जो है डिग्रियां हैं और हम जो ये कहते हैं कि फेक डिग्रियां हैं, हम तो कहते हैं जिनकी फेक डिग्रियां उनको आज ही निकाल दो, लेकिन जो प्रॉपर और ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से जो वेल क्वालिफाइड हैं उनको उनके साथ ये आज जो है इंसाफी कर रहे हैं 4 साल सर्विसेज लेकर। आप इस समय यूनिफॉर्म में भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं आप लोग उसमें पहले होते हो, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का रवैया इस समय अपनाया गया है खासकर यूटी गवर्नमेंट ने और आप इस समय बीजेपी के ऑफिस के सामने, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी वाले कहते तो जरूर है मगर कर कुछ नहीं? सर उम्मीद तो है क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये एक प्रॉपर चैनल से हुआ है, इसमें जो सिलेक्शन हुई है प्रॉपर चैनल से, जोन वाइज पोस्टें निकली उसके बाद एडवर्टाइजमेंट निकलती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अफसर एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके बाद एक इंटरव्यू नोटिस निकलता है जिसमें हर जोन का इंटरव्यू डे बाय डे होता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल सलीमुल रहमान इसकी लिस्ट आउट करता है, उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 21 दिन के अंदर सबको ज्वाइन करना होता है, उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन हुई, हर एक बच्चे की वेरिफिकेशन ये पूरी सबकी हो गई है, उसके बाद हमें पोस्टिंग मिली, उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज हुई, उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये जो है एंट्रीज जो बैकडोर एंट्रीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैकडोर एंट्री कोई भी नहीं है, ये सब एक प्रॉपर चैनल से थ्रू हुआ है। क्या आपको लगता है कि अब एसएसबी ऐसा क्या करेगी कि वो री एडवर्टाइज करके? सर इनके पास पोस्टें कहाँ हैं, ये इतने लोगों को एडजस्ट कहाँ करेंगे, 3,000 लड़के लगे हैं, 10-10 पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। 4 साल 3.5 साल सर्विस हो गई है, डिफरेंट अचीवमेंट्स हमारी, कोविड में 1 साल ड्यूटी हम लोगों ने दी, डिफरेंट नेशनल लेवल पे हम टीम लेके गए एज ए कोच, हर बार कोच बन के हम टीमें लेके यहाँ पे आते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, आप हमारी अचीवमेंट्स देखो। लीगल लेवल पर ये स्टैंड करेगा, ये सब लीगल है, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई लीगल हुई है। आपको जो टर्मिनेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लीगल तरीके से इस फाइट को भी लड़ा जाएगा? लड़ा जाएगा सर, डेफिनेट लड़ा जाएगा, क्योंकि हमें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा राइट है और हम अपना राइट लेके रहेंगे। उनकी सेहत ठीक नहीं है तो प्लीज आपसे गुजारिश करता हूँ, जब तक वो वापस नहीं आते यहाँ से कोई नहीं लेगा। आप सभी मेरे साथ एग्री है? धीरे सलारिया, जब तक वापिस नहीं आता एक भी बंदा यहाँ से नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। जस्टिस फॉर। सर आप किस तरीके से देखते हैं इस डिसीजन को, खासकर रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और NYC जो लड़के इतने सालों से काम कर रहे थे और डिपार्टमेंट में उनका काफी रोल था मगर एकदम साफ कर दिया? ये सर देखिए, हमें खुद मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे के ऊपर एक अटैक सा हुआ है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली मेरे को रहबरे जंगलात के लड़के मिले, अभी वो भी साथ में ही पीछे आए हुए हैं, 2 महीने रहते हैं उनके परमानेंट होने के लिए। ये कहां का जस्टिस है यार, एक तरफ 5 साल के बाद रहबरे तालीम टीचर कन्फर्म होता है, उसके बाद हमें कहा जाता है, रहबरे जंगलात को कहा जाता है री एडवर्टाइजमेंट होगी, क्यों होगी भाई?
पहले इसकी क्लेरिफिकेशन दी जाए कि वो पॉलिसी क्यों आपने बनाई थी। रैबरे खेल में जैसे लगे थे वैसे ही रैबरे जो अपना तालीम में भी लगे थे, टीचर्स भी लगे थे। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल है, 2000 में ये स्टार्ट हुई थी पॉलिसी रैबरे तालीम के बाद जंगलात जरात रैबरे खेल जो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हुई। तो आप सरकार से ये क्यों ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछते जलजी साहब से कि आपने अगर पॉलिसी बनाई थी पीडीपी और बीजेपी सरकार के अंडर ये पॉलिसी बनी है उसके अंदर हम एम्प्लॉय हुए हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन प्लीज पूछिए कि किस बात के लिए एडवर्टाइजमेंट हो। आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई आश्वासन, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई उम्मीद है? अभी फिलहाल कुछ तक मुझे लगता है कि उम्मीद है। अभी हम एक दो घंटे से यहाँ बैठे हुए, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र राणा साहब, रैना साहब जो भी हैं, हो सकता है हमारे पास आए। अगर नहीं आते हैं तो आप ये हमसे, हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, सभी डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। इनकी बात इतनी सुनी जाती तो आज जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, जो दूसरे बच्चे थे, उनकी बात ही मानी जाती। आप लोग देखिए सर, इस समय मुद्दा हमारा रैबरे खेल टीचर का है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि उनका क्या कंसेप्ट था, वो उनसे आप प्लीज उस बारे में उनसे डिस्कस करें। पर रैबरे खेल टीचर की यहाँ बात आती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे साथ ये इनजस्टिस, ये काला कानून है। हम एक ही डिमांड रखते हैं कि इस ऑर्डर को, जो आपने ऑर्डर निकाला है, इसको रिवोक किया जाए जल्द से जल्द। तो ये प्रोटेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होंगे? बिल्कुल, ये ओवरऑल ऑल आप कह सकते हैं डिवीजन का है, क्योंकि इसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो सारे आए हुए हैं। तो प्रदर्शन आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है, और यहाँ पर आज बड़ी तादाद में जो है वो रैबरे खेल के जो बच्चे हैं यहाँ पर भी हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ जो है हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठे हैं। कोशिश जो है लगातार इनकी की जा रही है कि सरकार के ऊपर जो है वो दबाव बनाया जाए, और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा है इनसे जाने के लिए। मैम आप बताइए, आप भी रैबरे खेल में हैं, क्या देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल वन साइडेड है, कोई कंसेंट, कोई इसमें किसी से बात नहीं की है, ना कोई पॉलिसी है, ये टोटली इनजस्टिस है। इसको गुंडा राज बोलेंगे, रातों रात कुछ भी इम्प्लीमेंट यहाँ हो जाता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। चार चार साल से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमने खून पसीना अपना यहाँ ग्राउंड में बहाया है, और आज गवर्नमेंट रातों रात एक ऑर्डर निकालती है और पोस्ट को री एडवर्टाइज करने का ऑर्डर निकालती है, वो हम कतई नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो क्या लगता है री एडवर्टाइजमेंट में ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज हैं, धांधलियों से लगे हैं गलत, तो अगर वैसा ही था तो स्क्रूटनी का और भी तरीके होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी, अगर कोई बैकडोर है तो चार साल से गवर्नमेंट सोई थी। अगर गवर्नमेंट की इतनी सारी ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, कभी आईबी वेरिफिकेशन करता है, कभी सीबीआई वेरिफिकेशन करता है, तो उन वेरिफिकेशन में बैकडोर्स को क्यों नहीं निकाला गया? वो गवर्नमेंट का काम था ना, वो जो वेरिफिकेशन कर रहे थे वो उनका काम था। पिछले चार साल से गवर्नमेंट सोई हुई थी, अभी तक किसी को वो बैकडोर्स को निकाल नहीं सकी। उनको निकालो, जो है हम अभी भी कहते हैं कि उनको आप निकालो, अभी तक क्यों नहीं निकाला उनको? अब रातों रात ये ऑर्डर निकाल रहे हैं कि री एडवर्टाइज से ये होगा, हमने जो अपने चार चार साल यहाँ डिपार्टमेंट में दिए हैं वो कहाँ गए? हम अपने वो चार साल का सवाल, मतलब गवर्नमेंट को पूछना चाहूंगी मैं, वो चार साल कहाँ गए हमारे? हमारे बच्चों ने अपनी हायर स्टडीज में समर, मतलब पीजीज थे, उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लेनी थी, हमें कोई स्टडी लीव नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग चार साल से काम कर रहे हैं अपनी स्टडीज को भी छोड़ के, ये सोच के कि आफ्टर 7 इयर्स वी विल बी रिकॉग्नाइज। आज गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, नहीं जी इनको ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये गुंडा राज है, सिर्फ गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं है। मुझे बताइए जो बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए हमारा जो रैबरे खेल, जब हम अपॉइंट हुए थे, जो हमारी पॉलिसी में, हमारा नोटिफिकेशन में था, हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन बीपीई था, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बट इसमें मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं ऑल आर मास्टर्स डिग्री होल्डर, एमफिल होल्डर, पीएचडी होल्डर, नेट सेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई होल्डर्स। आप बताइए ये कहाँ का गुंडा राज है? चार चार साल एम्प्लॉयज ने अपना यहाँ पे 4000 रुपए पे काटा है। 4000 क्या होता है? हम लोग तो अपना यूटी का एक मिनिमम वेज, हमें लगा था कि यूटी बनने से हमें इसका कोई बेनिफिट होगा, हमें मिनिमम पे जो है एक्ट लगेगा। यहाँ तो गवर्नमेंट उल्टी जो है, मतलब जो अपना गुंडा राज चला रही है। लीगल फाइट होगी, बिल्कुल होगी, उसके बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने अपने जिंदगी के कीमती 4 साल हमने डिपार्टमेंट को दिए हैं, उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर और भी यूथ है, यहाँ पर खासकर जो फीमेल है वो बड़े दूर दूर से शायद यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करें। मैम आप कहाँ से हैं?
सर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं। इतनी दूर से आप आए हैं, कैसा आप देखते हैं ये ऑर्डर जिस तरीके से आता है कि आपको एकदम अब निकाल दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सर अनएक्सपेक्टेड, हमने बिल्कुल भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें रेगुलराइज करेंगे, पर ये चीज सडनली हुई। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे जैसे जमीन से पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई है। आप खुद देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इतनी धूप में हम किस लिए बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। एक तरफ बात की जाती है कि ग्रास रूट पे जो है खेलों को लेकर जाना है, नई नई ग्राउंड्स बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का रवैया कि टीचरों को ही निकाल दो। वही अगर हमें कोई पूछे, हमसे पूछोगे आप या हमारे डिपार्टमेंट में हर किसी से पूछोगे कि इन्होंने काम कैसा किया है, तो आप पूछो उनसे जाके, खुद बताएंगे वो इन्होंने कैसे काम किया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक हम लोगों ने काम किया है, कहाँ इन्होंने हमारी ड्यूटीज नहीं लगाई है, और सडनली ये ऐसा ऑर्डर निकालते हैं कि टर्मिनेट कर दो इनको, तो हमें कैसा लगेगा? आप खुद इमेजिन कीजिए ये चीज, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अगर कोई ऐसा करे तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आप लग रहा है कि प्रोटेस्ट आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर जरूर कर रहे हैं, क्या कोई आश्वासन मिला अभी तक? आज तक इन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिए थे हमें, इसी बेसिस पे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा कुछ करेंगे ये तो, पर इन्हीं की सरकार है तो इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, इसलिए हम इनके ऑफिस के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 50 से पार जाएंगे आने वाले इलेक्शंस में, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके के? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है कि एक भी वोट हम में से कोई इनको देगा। अगर ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है इसको रिटर्न नहीं करते, वापस वोट नहीं करेंगी। वोट की बात करते हो, हम क्या, हमारी कोई फैमिली वोट नहीं देगी? हमने इनको लाया, इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। किस बलबूते पे किया कि हम अपना काम बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, 100% काम किया है हमने। इनको कैसे वर्कर चाहिए जो काम नहीं करते हैं, कुर्सी पे बैठ के खाते हैं? हमने बहुत मेहनत से काम किया, 4 साल बहुत होते हैं, 4 साल से पहले हमने फॉर्म भरे, हमारी लिस्टें निकली, हमारे इंटरव्यूज हुए, फिर जाके हमें जॉब लगी है, और अब ये हमें सड़कों पे लाए हैं। एक रातों रात इन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इंसान पागल नहीं होगा, मरेगा नहीं, क्या करेगा वो? रैबरे खेल में आप भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्राइटेरिया? सर कुछ मास्टर्स है, कुछ PhD है, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट है, सबने एक ही क्राइटेरिया, इन्होंने जो जॉब निकाली एक ही क्राइटेरिया की निकाली कि 7 साल तक आपको काम करना है। उनमें से हम लोग ओवर एज हो रहे थे, हमने फॉर्म भरे कि हम ओवर एज हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे बच्चे अब हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इतनी गर्मी है, क्या असर होगा? सर आप बताओ इतनी गर्मी में क्या असर होता है? ये तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो आप इस समय देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से रविंद्र रैना आए हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जो है किया जा रहा है, यहाँ पर खेल की तरफ से भी जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से रविंद्र रैना जब आए हैं यहाँ पर, तो लगातार जो रोष है वो यहाँ पर किया जा रहा है और प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? रविंद्र रैना आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं रविंद्र रैना सर से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर इस काले ऑर्डर को वापस कराइए। सर आप भाजपा के स्टेज के अध्यक्ष हैं, सर आप देखिए, आप हमारी बात सेंटर में लेके जाइए। मुझे लगता है सर कि शायद आपकी बात यहाँ नहीं मानी जा रही है, तो क्यों नहीं मानी जा रही है? आप चाहिए सर, आप सेंटर में चाहिए, आपने वादा किया है, आप अपने वादे को पूरा करिए सर। हमें उम्मीद है आपसे, आप फौरी तौर हमें रेगुलर करवाइए, ये जो काला ऑर्डर है इसको फौरी तौर वापस करवाइए। हंगर स्ट्राइक पर बैठे सर, हंगर स्ट्राइक है, हम लाशें हैं, हम जिंदा लाशें हैं, हमारी फैमिलियां सफर कर रही है। कुछ लोग बेहोश भी हुए, हाँ जी सर, कुछ लोग यहाँ पर अनकॉन्शियस भी हुए। हाँ सर, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट धीरे सिलारिया वो अभी हॉस्पिटल में है, वो अनकॉन्शियस हो चुके हैं सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है डिपार्टमेंट का भी, काम का भी। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं रविंद्र रैना यहाँ पर आए हैं और मीडिया ने उन्हें इस समय घेर के रखा है, मगर लगातार आप देख रहे हैं जो रोष है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो
तो आप इस समय देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से रविंद्र रैना यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आश्वासन भी यहाँ पर इनको देंगे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पर जो है आगे पॉलिसी बनाई जाएगी। मैडम आप कहाँ से हैं? सर कठुआ से। तो आप मुझे बताइए रविंद्र रैना यहाँ आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें हैं आपको? सर लगता तो है, शायद होप तो है सर। एकदम आपको टर्मिनेट कर दिया गया, कैसे आप सर? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे पांव से जैसे जमीन ही चली गई हो। हमें तो ऐसा ये होप थी कि हम 7 साल में पक्के हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये ऐसे हो गया कि अचानक ही कि टर्मिनेट कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? लगता कि लड़ाई लंबी होगी, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर आने जो है वो आश्वासन दे रहे हैं उनको। हमें हमारा हक दीजिए, जो पहले 3 साल दिया था, जो रिटर्न में लिखा था वो हमारा हक दीजिए, उसको काले कानून को वापस ले लीजिए, बस यही हमारी डिमांड है। ज्यादा रविंद्र रैना यहाँ है, कुछ उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें हैं मगर करे कुछ, हमने इधर से ऑर्डर लेके जाना, तब तक हम निकलेंगे नहीं यहाँ से। हमारा मोटिव यही है, हमने यहाँ से भागना नहीं है। जब तक हमारी पॉलिसी का ऑर्डर रिवोक ना हो जाए तब तक हम भागेंगे नहीं। युवा जो है उनके साइकोलॉजिकल बहुत अफेक्ट पड़ता है, इस एज में आकर अगर कोई नौकरी से निकाल दे कैसे देखते हैं? सर हफ्ता एक हुआ ऑर्डर निकाले हुए, तब से लेकर कम से कम 10 अटैक हुए। एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, मगर इनको हम जगाएंगे, इनकी जमीनों को हम ऊपर उठाएंगे, इनको हम जगाएंगे रात के 12 बजे भी, जब हम बाहर आएंगे सड़कों पे, फैमिली लेके, घर वाले लेके, हर एक बच्चे को लेके। और हम एक अपील करते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारा हमें हमारा हक मिले। प्लीज हमारे साथ मत खेलो, हमारी लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो? कब तक चलेगा जम्मू कश्मीर में ये काले कानून? हमें ये मंजूर नहीं है। हमारा जो पहला कानून है वही हमें दे दो बस, और हमारी वन टाइम रेगुलाइजेशन की जाए बस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से रविंद्र रैना के आने के बाद यहाँ का माहौल जो है वो लगातार इस समय बदल रहा है, उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा है इनको। साढ़े 3 साल से हम आपके लिए आपके पास आ रहे हैं, 3.5 साल से आप हमें बोल रहे हैं आपका मतलब कि काम होगा। आप इन्हें आगे आगे भैया आगे तो इस समय रविंद्र रैना जो है वो यहाँ पर बोलने वाले हैं और सैलरी इंक्रीज होगी, टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। मैं सर आपसे जवाब चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए अभी क्या सोचा, इतने दिन से आप ये 3 दिन हो गए आर्डर आए हुए, आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं हमें बताएं, हम किसके पास जाएं? आपके अलावा ये जम्मू का यूथ है सर, ये आपके आपके वोटर हैं, हम आपको आपके सपोर्टर हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं बीजेपी हमारा स्टैंड ले। हाँ साइड करो, बाकी सारे लगे होने चाहिए, नीचे बैठो सभी। तो इस समय आप देख रहे हैं रविंद्र रैना यहाँ पर आए हैं और ये लोग जो हैं अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, मगर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हजूम जो है रैबरे खेल टीचर्स का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसका असर जो है आज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो भी इस समय प्रेशर में हैं। कंपेयर न किया जाए क्योंकि हर पॉलिसी अलग है।
होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले ही ऑर्डर आया है जो रैबरे खेल के बारे में, उसे पहले रिवोक किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों की सरकार के टाइम पे ये पॉलिसी आई थी, कहीं कमी है तो आपकी सरकार में कमी है, क्योंकि जब ये कैबिनेट डिसीजन आया था तब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी। अगर हमारे इंटरव्यू आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑर्डर को, जिस तरीके से एकदम रैबरे खेल टीचर्स को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है और इतना हजूम? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। वो हर वक्त, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक रैबर खेल की या ज़राअत की या जंगलात की बात करें, हम ये कहना चाहते हैं ये लोग काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ सरकार ने बहुत सारी कमेटियाँ भी, लेकिन नाम नियाद कमेटियाँ बनाई, आज तक अभी तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दे दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार ने इनके साथ कमिटमेंट किया था कि हम आपकी रिगलाइजेशन करेंगे और 4,000 रुपया इनको महीने का दिया जाता है, क्या 4,000 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? ये कितने बड़े दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो पॉलिटिशियन हैं जो दो दो ढाई ढाई लाख रुपया सैलरी लेते हैं, लेकिन हमारा मुलाजम जो वर्कर है, जो छः छः सात सात आठ आठ घंटे काम करता है, तो उसको 4,000 रुपया दिया जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, जो ये आर्डर निकाला है इसको रिवोक किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमों से भी अपील करता हूँ, और मैं ई जैक का स्टेट का प्रेजिडेंट हूँ और 4.5 लाख मुलाजमों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार को इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर सरकार, आप क्या इसमें आप लोगों की भी सपोर्ट रहेगी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजम हैं, 4.5 लाख मुलाजम हैं, हमें फुली इनकी सपोर्ट करते हैं। जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर रविंद्र रैना अभी भी जो है इनको जो संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार मैं इन सबसे एक बार सुन लूं, फिर मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट, अच्छा ये थोड़ा सा जगह तो देना, जैसे ये पुंछ से बोल रहे हैं, आप खड़े होकर। धीरे धीरे पीछे पीछे कर यार। में 2,000
लड़के इतने हैं कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, और ये जो एलजी साहब जो हमारे सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बिल्कुल ऑर्डर को बिल्कुल हमारे खिलाफ निकाला है, और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर रोक दिया जाए, और हम हमारे दरमियान हम इनका शुक्र गुजार हैं। इन्होंने भी हमें बहुत सारी आश्वासने दी, मगर उससे भी नहीं किया गया। अब हम ये आए हुए हम उनके तहत शुक्र गुजार हैं, मगर ये अभी अभी चीफ सेक्रेटरी को फोन लगा के इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में आईटी गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे जम्मू कश्मीर, ये क्या कर रहे हैं, रातों रात आर्डर बन रहे हैं हमारे में, लोग हमारे साथ क्या कह रहे हैं, आप लोग कब हमारा स्टैंड लेंगे, कब हमारे साथ जस्टिस होगा, हमारी फैमिली जो हमारे स्कूल में लगे हैं, हमारे स्कूल में आज 200 बच्चा है, एक स्कूल में 200 बच्चा, कितने बच्चे देख लेंगे, क्या स्कूल का जाएंगे, तो इस बात का आंसर चाहिए, एक का नाम रोशन करेंगे, हमें देखेंगे हमारे उतार दिया है, सर हेलो नहीं बोला तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय रविंदर रैना जो हैं वो आए हैं और सीनियर ऑफिशियल से बात करने की कोशिश जो है अभी भी की जा रही है कि किस तरीके से ये जो मसला है उसको रिजॉल्व करेंगे, मगर अभी भी आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट है उसी तरीके से अभी भी जारी है। आगे आगे वापस आगे जी 2 मिनट से जा रहे धीरज माइक दे यार यार, इतनी बैटरी नहीं है। तमाम हमारे नौजवान साथी, हमारे
आपकी जितने भी यहाँ चाहे वो रायपुर खेल के हमारे साथी हो या रायपुर जंगलात के हो या यहाँ जो एनवाईसी वाले साथी भी आए होंगे, मेरी बात सुनो, सबकी बात किया करो, सबकी, हमको सबकी बात करनी है। कल आप भी नहीं आओगे तो उनकी भी बात हमने कर, आपकी भी बात हमको करनी होती है। साथियों, मैं आप सबको मालूम होगा कि मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हो, मेरी निवेदन है मीडिया के साथियों से, मैं एक बार अपने साथियों से बात करना चाहता हूं। मैं आप जो बोलेंगे मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा। आपके पास आ रही है, आप करें सर, आपकी आवाज़ तो मीडिया में तो आ रही है, इनको तो आनी चाहिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यही खड़े रहे, आप सारे मीडिया के, मैं यहाँ आके जाता हूँ, आप यही खड़े रहे, आप यही, आप नहीं रखिलो, आप नहीं, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, यही से बोले, मीडिया वाले सामने आओ, जगह खाली कर दो भैया, मैं थोड़ी में रंग लगता, देखो पीछे आराम से खड़े रहो, आराम से, आराम मेरी बात खड़े हो साइड पे, आराम से इधर खड़े हो, क्या मिलेगा बाइक आ गई है, जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे मुझे पता चला यहाँ बड़ी तादाद में रायपुर खेल और रायपुर जंगलात के बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बहन यहाँ आए हैं, और इसलिए एनवाईसी के भी जो भी आए हैं, और मैंने तुरंत यहाँ पहले भी यही बोला था, मैंने फौरन पहले भी इन्होंने यही आश्वासन दिए थे, मैंने भी आज सुबह एक न्यूज़पेपर में और बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर इस किस्म की न्यूज हमने पढ़ी, जिसमें रायपुर खेल और रायपुर जंगलात और बाकी साथियों, जिसमें उस न्यूज़पेपर में एनवाईसी के लोगों का भी जिक्र था। ये सारा मामला जो आया है उसका हमने बड़ा अमित तक के साथ इसका सारा हमने संज्ञान लिया है। क्या लिया? सुनो ना, सुनना पड़ेगा आपको, दो मिनट। मैंने यहाँ ये जो साथी है यहाँ, मैं इनको एक जानकारी दे दूं, जैसे मुझे ये सारी जानकारी लगी यहाँ, उसके फौरन बाद मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, और मैंने गवर्नर साहब को मैंने गवर्नर साहब को बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा बने, और जान बूझ के इस किस्म के साजिशें की जा रही है। अभी पिछले दिनों जब यहाँ, मैं बताता हूँ क्रम दर क्रम बताता हूँ कि कैसे यहाँ साजिशें चलती हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकल गया कि स्कूलों और कॉलेजों में जी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। भैया सूर्य नमस्कार सुबह 4 बजे होता है, और सूर्य नमस्कार कोई सूरज को नमस्कार, वो योग की प्रक्रियाएं हैं, वो आपको खाली पेट सुबह करनी होती है,
एक बच्चा नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो कभी सूर्य नमस्कार के योग कर ही नहीं सकता, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। ऐसी साजिश, और ये चूकी, सुने चूकी 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 एक, जब भी कभी इलेक्शन की बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकालते हैं कि उसके बाद यहाँ हंगामा खड़ा हो, ये साजिश होती है। इसलिए जब आपके तमाम मसाइल ये रेबरे खेल और जंगलात वालों के और एनवाईसी वालों की, मैंने बात गवर्नर साहब से की है, गवर्नर साहब ने हमको बोला है ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कोई फैसला नहीं। और सुने आप मेरी बात, सुनो पहले एक बात सुने मेरी, ये जो रुको भाई सुने, मैंने चुप करके बैठो, एक मिनट में बोल रहा ना, बैठो भाई सुने, कॉपी दो, कॉपी मैडम, कॉपी दो ना, ऑर्डर की कॉपी दो, ऐसे नहीं होता, ऑर्डर की कॉपी ले लो, ले लो कॉपी, ले लो सर, ये लो। हमारी पोस्टें वॉलिश करके नई पोस्टें आएंगी। सुनो भाई, आप लोग बात ही नहीं सुनते हो, सुनो भाई, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपके बीच में आया हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, बात सुनो ना, बात सुनो, बोलो भारत माता की जय, भाई मेरी बात सुनो, बात सुनो भाई, इतना सारे मीडिया में अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैं अगर गवर्नर साहब के रेफरेंस से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के रेफरेंस से कोई बात बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, मेरी बात आपने बात नहीं सुनी है, नहीं सुने, अगर मैं आपके सामने इतने भरे मीडिया, जितना जम्मू कश्मीर में मीडिया है ये सारे जिम्मेवार लोग हैं, उनके सामने मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो कोई जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से निकला, मैंने गवर्नर साहब से बात की, यहाँ के मीडिया के कुछ लोग साथ चले गए, ये यहाँ के हमारे जो पुंछ से आए हुए हैं आपके एक साथी, मैंने अभी यहाँ से बात की उनसे, और हमें आपकी तकलीफ है तो आपके बीच में आके खड़े हैं, और आपके साथ इनजस्टिस होगा तो हम आपके साथ बैठ के एजिटेशन सड़कों पर उतरेंगे, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हमारी सुनो भाई मेरी बात सुने, हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, हम आपके साथ हैं, और मेरी बात सुने, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे जो श्री ए के मेहता साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है ये जो न्यूज निकली है जिसके बाद हमारे नौजवानों में, हमारे भाई बहनों में गुस्सा हो गया, ये न्यूज गलत है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और एलजी साहब के ऑफिस से कहा गया है। एक दूसरी बात, जो कमेटी
जिसका गठन किया गया था, जिसका जिक्र सरदार जी ने किया, 2020 की कमेटी, उस कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन की, चार अगर कमेटी के मेंबर ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को की है, वो ऑर्डर नहीं है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल फैसला होना है। और अगर किसी कमेटी ने या किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी लेवल पर आपके खिलाफ अगर कोई साजिश किसी ने की, वो साजिश एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वो उसका जिक्र नहीं होगा। आप ये जो आज सुबह का समाचार सुन के परेशान हो गए, यकीनन परेशानी बनती है, और ये परेशानी जो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो मेरी अभी यही इसी ग्राउंड में खड़े होकर बात हुई, कोई चोरी छुपे बात करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आज जहां है कल कहीं चले जाएंगे, हमारा आपका जिंदगी भर का तावन है, हम हमेशा आपके साथ थे हैं रहेंगे। आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो रविंद्र रैना को सड़क पर भी उतरना पड़ा तो मैं परहेज नहीं करूंगा। आप सुनो सुनो सुनो, मैडम चुप करो, दो मिनट चुप करो, आप सुनो भाई सुनो, सर रेगुलाइजेशन कब होगी हमारी? आप सभी दो मिनट रुको मैडम, आप 10 मेंबर की टीम बनाओ, ठीक है, एलजी साहब से बात करता हूँ, आप किसी भी मेरा 1-to-1 मुलाकात कराते हैं, ये है क्या सामने 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 दो मिनट रुको ना मैडम प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हालत देखो हमारी, हालत देखो, और रुको ना रुको ना, मैंने नहीं ऑर्डर निकाला, मैं कोई अभी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ यहाँ का कि मैंने ऑर्डर निकाला, मैं चीफ मिनिस्टर होता आपको परमानेंट करता पहले ऑर्डर में, क्या बात कर रहे हो, कब तक चलाएंगे? हाँ जब आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे। सुनिए सुनिए भाई सुनिए मैडम भाई मेरी बात सुने सुने ना सुने सुने भाई मेरा होना क्या अब होना क्या आपका, एक मिनट तो रुको भाई मेरी बात सुने, एलजी साहब ने क्या बोला, क्या होना हमारा? मैं चाहता हूँ सुनो, देखिए इतने मैं चाहता हूँ कि आपके 8-10 जो हमारे आपके दोनों तीनों डिपार्टमेंटों के जो साथी हैं, 8-10 आप तय करके आ मेरे पास आओ, हम गवर्नर साहब से टाइम लेके एक बार, जैसे उन्होंने मेरे को फोन पर कहा है, मैं चाहता हूं आपकी भी 1-to-1 बात हो जाए मैडम, दो मिनट रुको, और जो झूठ क्या है इसमें, सुने ना सुने सुने सरदार जी, मैं कभी जिंदगी में, हम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, हाँ बस सुनो, भाई मेरी बात सुनो, हमारा होना क्या ये बताओ बस, प्रभाव पहले एड़ा आर्डर होया, एक बार उन्दे के ने गलत है, नहीं ऑर्डर हूं ना कर रहा नहीं है, तो सकरे नहीं है, नहीं है ना, तो सकरे बड़ा पेपर ही छपया, कि एक ऑर्डर निकाले फ्रेश में, कि ये फेक है, विरोध है, सुने मेरी बात सुने ना, अच्छा मेरी बात सुने,
मेरी बात शाम को ऑर्डर निकलेगा कि भाई दो मिनट यही बात बोल रहा हूँ ना मैं यही बात सरदार जी मैं यही बात तो बोल रहा हूँ नहीं है नो नो जाओ अपना काम करो मैडम जी रुको मेरे को इनसे बात चलो सर चलो रहने दो बात तो सुनो ना सर क्लेरिफाई कराओ ना ऑर्डर सर क्लेरिफाई कराओ ऑर्डर तो इस समय आप देख रहे हैं रविंद्र रैना लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों को कन्विंस करने की मगर जो बात यहां पर हो रही है रविंद्र रैना का कहना है कि जो ये ऑर्डर है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है और इन्होंने कंफर्म भी किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से और इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के उनसे मगर अभी तक जो है ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी भी दोबारा से वो कन्विंस करने की कोशिश करें क्या ये लोग क्या सोचते हैं सर आप मुझे बताइए जब अभी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कह रहे हैं कि ऑर्डर फेक है अभी अभी तक जो चल रहा है अभी डिसीजन आएगा जो आगे करेंगे सब लीडर हमारे जो आप बात करेंगे आगे कर रहे हैं तो अभी भी जो बात चल रही है क्या कहना चाहते हैं आप लगातार कह रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो फेक है ऑर्डर में कोई दम नहीं है सर ये जो जीएडी वालों से ऑर्डर जो निकला है क्या इसको फेक कैसे मान सकते हैं प्रॉपर चैनल से जो ऑर्डर निकला है ये एक रियलिटी ऑर्डर है कोई फेक ऑर्डर है नहीं है पूरे रेफरेंस के साथ ऑर्डर दिया हुआ है जैसे कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हम ये कैसे मान सके अगर ये जीएडी ऑर्डर एक निकालता है तो बात में हम कैसे उनकी मान सकते हैं अगर ऑर्डर निकला हुआ है एक रेफरेंस के साथ तो उसको हम कैसे बातों में मान सकते कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं मतलब ऐसे कोशिशें की जा रही है सर अब ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हम ये जो ऑर्डर एक जीएडी का ऑर्डर निकला है हमने उसको पढ़ना और उसको फॉलो करना है कि ये ऑर्डर में क्या है अब ये कहते हैं फेक ऑर्डर है फेक तो ऑर्डर ऐसा नहीं होता जो अगर एक गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल से निकाले उसको फेक ऑर्डर कैसे बोल सकते हैं हम तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है अभी भी हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रही है तो अब ये हम जब ऑर्डर रिवोक ऑर्डर निकलेगा तब हम ये मानेंगे कि हमारे ये पॉलिसी है अदरवाइज हम इसको नहीं मान सकेंगे कि ये ऑर्डर रिवोक हुआ है ये नहीं अभी भी जो कश्मकश है वो लगातार चल रही है और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इस समय जो है रविंद्र रैना यहाँ कोशिश कर रहे हैं लोगों को कन्विंस करने की मगर अभी तक जो है वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं और भी यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो आए हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे सुरेंद्र जी आप बताइए जिस तरीके से ऑर्डर आता है रविंद्र रैना जी तो कह रहे हैं कि ये फेक ऑर्डर है क्या जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे ये खड़े हैं मनियाल साहब इनसे मनियाल साहब जो ये ऑर्डर के बहुत पर बात करेंगे रैना साहब कह रहे हैं कि जो ये ऑर्डर है वो फेक है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बेटा अभी बात कर रहे हैं ना लाइव बात चल रही है सुन लो पहले बात उसकी उसके बाद करते हैं बात ठीक है तो लगातार आप देख रहे हैं इस समय अभी भी कश्मकश जो है वो चल रही है रविंद्र रैना कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कन्विंस करने की मगर अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहाँ पर हो रहे हैं और ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये ऑर्डर जो है वो फेक है क्योंकि आज लीडिंग न्यूज़पेपर में जो है ये लगा है और लगातार यहाँ पर जो है ये लोग कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट इस ऑर्डर को रिवोक नहीं करती तब तक ये लोग इसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे आप देखते रहे एनएचएन हमने नहीं आज़ाद करने के लिए इसको अपने साथ
करके देखो, आप आ रहे हैं, आ रहे हैं।